सभी को नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, ज्योतिष सेवा में हम आपको लग्नों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमने पीछे आपको मेष लग्न के बारे में बताया, वृष लग्न के बारे में बताया, आज हम आपको मिथुन लग्न के बारे में बताएंगे। मिथुन राशि के बारे में पहले बता चुके हैं, आज आपको मिथुन लग्न के बारे में बताएंगे। ये लग्नों में तीसरा अध्याय है, मिथुन लग्न। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन वाले आपकी सेवा में। हमारा YouTube चैनल ज्योतिष सेवा आपके द्वार, बहुत सारे वीडियो हमने ज्योतिष से संबंधित, धर्म से संबंधित, उपायों से संबंधित, जो पारिवारिक कलह है, कहीं धन की समस्या है, कहीं और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप वो वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको जल्दी मिले। और आप अपने हमें कमेंट ज़रूर भेजें, आपका कोई सुझाव होगा तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे और उसको अगले वीडियो में आपका नाम के साथ उसको प्रकाशित अवश्य करेंगे। मित्रों, आज का जो विषय है वो है मिथुन लग्न। आपको पीछे ने मिथुन राशि के बारे में बताया था, राशि और लग्न में काफ़ी फर्क होता है। राशि वो होती है जहाँ चंद्रमा बैठा होता है, वो हमारी राशि कहलाती है हमारी लग्न कुंडली में, और जहाँ प्रथम भाव में जो राशि आती है वो राशि लग्न कहलाती है। तो आज हम प्रथम भाव में जो मिथुन राशि है उसको आज हम लग्न मान के उसकी व्याख्या करेंगे। आप सबको मेरे राधे राधे। तो हमारे मिथुन लग्न के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मिथुनोदय सज्जा तो मानी स्वजन बत्सलह, त्यागी भोगी धनी कामी दीर्घ सूत्र मर्दक। इसका मतलब होता है कि जिसका जन्म मिथुन लग्न में होता है वह व्यक्ति या वह जातक मानी स्वजनों का प्यारा होता है, अल्प त्यागी होता है, भोगी होता है, धनाढ्य होता है, कामी होता है, दीर्घ सूत्री चिरक्रय, इसका मतलब बड़ी देर से काम करने वाला होता है, शस्त्रों का मान वर्धन करने वाला होता है। ये हमारे शास्त्रों में मिथुन लग्न की व्याख्या की हुई है। इसका हम आपको विस्तार से बताते हैं कि जातक दुबला पतला लंबा शरीर, सुंदर नेत्र होते हैं, छोटी नाक होती है, अस्थिर किंतु मौलिक विचार होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, प्रसन्न चित्त वाला होता है, विनोदी स्वभाव वाला होता है, चपल होता है, मधुर एवं स्पष्ट वक्ता होता है, तार्किक हर बात पर तर्क करने वाला होता है, लज्जाशील होता है, दूरदर्शी होता है, यात्रा एवं परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन प्रेमी होता है, यात्रा प्रेमी होता है, खेलों का शौकीन होता है, शीघ्र गतिमान जल्दी चलने वाला होता है, बुद्धि और भाव दोनों ही प्रबल होते हैं, आत्मविश्वासहीन होता है, उसको थोड़ा आत्मविश्वास की कमी होती है, चिंतित रहने वाला होता है, शीघ्रता से मित्रता करने वाला, जो कोई मिलेगा उसे फटाफट अपनी दोस्ती कर लेगा, बुद्धि और भाव दोनों ही उसके बड़े प्रबल होते हैं, बुद्धि बड़ी तेज होती है, भाव बड़ा तेज होता है, मित्रों और संबंधियों द्वारा उसकी भाग्योन्नति होती है, भाग्योदय वर्ष उसके 22, 32, 35, 36, 42 वर्ष होते हैं, और जो जिंदगी में जो नेक्स्ट वर्ष होते हैं वो होते हैं उसके 4, 10, 14, 38 और 57 वर्ष। ऐसा जातक पूर्ण आयु भोगता है, 70 से 80 साल की इसकी उम्र होती है। तुला धनु और कुंभ, ये जो लग्न होती है इनसे इसकी बड़ी अच्छी मित्रता होती है, स्त्री हो या पुरुष हो उनको दोनों को आपस में सफलता मिलती है। अगर तुला लग्न का पुरुष है और मिथुन लग्न की स्त्री है तो आपस में इनको बड़ी अच्छी पटरी बैठती है ज़िंदगी में, सामंजस्य बहुत इनका आपस में अच्छा होता है। इसका जो स्वामी ग्रह है बुध होता है। बुध मित्रों शुभ ग्रह है और वो स्त्री ग्रह कहते हैं बुध को, और स्त्री नपुंसक ग्रह बोला जाता है वो, और सोम ग्रह है। शुक्र शनि राहु इसके मित्र होते हैं। रत्न इसका हम पन्ना कह सकते हैं कि इसका जो सबसे प्यारा रत्न है वो पन्ना, हरे रंग का पन्ना होता है, इसका तोते कैसा रंग होता है, जैसे तोते के पंख होते हैं ऐसा इसका रंग होता है पन्ना, तो वो इसका सबसे प्यारा रत्न है। और बुध का जो रंग है वो भी हरा ही है। दुस्वभाव लग्न है, तो फैसला लेने में थोड़ा देर करते हैं ये लोग, पल पर इनके विचार बदलते हैं, सुबह कुछ कहा तो शाम को कुछ कहा, इनका जो है वो अपनी जगह पर स्थिर बात पर नहीं रहते हैं।
अपने निजी या मित्रों को ये ऐसा विश्वास दिलाते हैं झूठ बोल के कि लोग इसकी झूठ को सच मान ले। झूठ बोलने बड़े माहिर होते हैं ये, और अपने मित्रों को, समाज को, जनता को ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि ये इन्होंने जो कहा है वही बात सच है। नेता लोग प्राय जो ऐसे गाँव में सफल हो जाते हैं, 30 साल के बाद इनकी जो ज़िंदगी है, इनकी जो लाइफ है, उस लाइफ के अंदर थोड़ी सी स्थिरता आती है। मतलब 30 साल के बाद में ये स्थिर हो जाते हैं और अपनी बात पर थोड़ा सा गौर करते हैं, बात पर थोड़ा सा जम के काम करते हैं। 40 साल के बाद में ये लोग पूर्ण सफल हो जाते हैं। 20-22 साल की आयु में इनको एक मृत्यु तुल्य, मरण तुल्य कष्ट जरूर मिलता है, एक बार झटका लगता है ज़िंदगी में। 20 से 22 साल की उम्र में जितने भी ये मिथुन लगन के जातक हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको एक बार ऐसी कोई चोट जरूर लगती है कि वो 20-22 साल की उम्र में उनको एक बार कष्ट मिलता है। पारिवारिक जीवन इनका बढ़िया नहीं होता है, कलहपूर्ण जीवन होता है, क्योंकि ये अपने बात पे स्थिर नहीं रहते हैं, काम ही हैं थोड़े से। और फिर इनके जो मिथुन लगन के सामने जो भाव पड़ता है, सप्तम भाव, वो गुरु का भाव है जिसमें धनु राशि है, तो उसमें जो गुरु की जो राशि धनु है वो क्षत्रिय राशि है, तो क्षत्रिय राशि में और इस राशि में दोनों में बड़ा फर्क होता है, तो सामंजस्य बिठाने में इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। पत्नी या पति थोड़े गर्म स्वभाव के मिलते हैं इनको सप्तम में धनु राशि होने की वजह से, इस वजह से जाते ज़्यादातर थोड़े से परेशान रहते हैं। मिथुन लगन के जो जातक हैं वो ज़्यादातर नौकरी कम पसंद करते हैं और अपना व्यापार ज़्यादा करना पसंद करते हैं। कैरियर बनाने के लिए इनको जैसे साहित्य लेखन है, क्रय विक्रय है, वाणिज्य है, चित्रकारी है, संगीत है, यात्रा योजनाकार हैं या गणितज्ञ हैं, प्रचार प्रसार, अकाउंटेंट, वैज्ञानिक शोध, पत्र व्यवहार करने वाले, संपादक हैं, लेखा और अध्यापक हैं, ऐसे जो व्यापार है, ऐसे जो काम हैं, इन कामों में इनको सफलता मिलती है। इनका जो बीमारी का जो एक हिसाब होता है वो थोड़े से फेफड़े हैं, स्नायु संबंधी इनको रोग ज़्यादा होते हैं। तो शनि राहु शुक्र इनके लिए कारक ग्रह हैं, शुक्र इसमें सबसे सौम्य ग्रह है और इनको सुभता प्रदान करने वाला ग्रह है। जो शान शौकत की चीज़ देनी है वो उनको शुक्र देता है, क्योंकि शुक्र इस लगन के लिए सबसे शुभ ग्रह है। मंगल, सूर्य, चंद्रमा इसके लिए थोड़े अरिष्टकर होते हैं, बढ़िया नहीं है, गुरु सम प्रभाव दिखाता है। चंद्रमा द्वितीय से होने से मारक तो बनता है लेकिन वो मारता नहीं है, मारक प्रभाव नहीं देता है। गुरु को इस लगन में केंद्राधिपत्य दोष लगता है, क्योंकि गुरु दो लगनों का स्वामी है, दो केंद्रों का स्वामी बनता है, सप्तम और दशम, इसलिए इसको केंद्राधिपत्य दोष लगता है, पर ये हानि नहीं करता है, साइलेंट रहता है। अगर गुरु बुध और गुरु की दोनों की युति होती है तो ये लाभदायक रहती है। बुध शुक्र धन शान और शौकत प्रदान करता है, शनि व्यापारी बनाता है, भाग धीमा होता है क्योंकि इसमें जो मूल त्रिकोण जो शनि का है वो नवम भाव में पड़ता है, इसलिए जहाँ शनि मालिक होगा तो वहाँ शनि, शनि का मतलब होता है शनि, शनि धीरे धीरे चलने वाला। अगर भाग्य में शनि की राशि है और अगर वो अपने भाव में बैठ भी गया फिर भी भाग्य में उन्नति तो होगी लेकिन धीरे धीरे होगी, एक साथ उन्नति नहीं होती है। काम से समय पर पूरा नहीं करते हैं, क्यों कि शनि वहाँ बैठा हुआ तो वो काम को समय पर पूरा नहीं करने देता है। सब काम इनके विलम्ब से पूर्ण होते हैं। इनके लिए पन्ना सबसे बढ़िया रत्न है, और पन्ना अपने सीधे हाथ की जो ये कनिष्ठिका उंगली होती है ये इसमें ये पहन सकते हैं, कनिष्ठिका उंगली में इसमें पन्ना पहनना चाहिए इनको, और ये पन्ना आजीवन धारण कर सकते हैं, इसमें इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये हीरा भी पहन सकते हैं, ओपल भी पहन सकते हैं, और शनि का नीलम भी पहन सकते हैं, लेकिन नीलम को पहनने से पहले इनको एक बार किसी अच्छे ज्योतिषी से या किसी रत्न व्यापारी से संपर्क करके उसको पहले एक बार चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही नीलम पहना जाता है। लेकिन जन्मपति जब तक शोध नहीं करें तब तक ये नीलम धारण ना करें। अगर ये नीलम धारण करना है तो पहले उसको चेक करें, उसके बाद ही नीलम धारण करें। तो मित्रों, ये आज मिथुन राशि, मिथुन लगन का हमने आपको थोड़ा सा विश्लेषण बताया है कि मिथुन लगन का आचार विचार कैसा होता है, इसके साथ किस किस की क्या मित्रता है, कौन इसके कारक हैं, कौन इसके लिए अकारक हैं। तो आज इस अध्याय में इतना ही, और हमारा जो चैनल है ज्योतिष सेवा आपके द्वार, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उसे देखिए। अभी तो मैं फेसबुक लाइव हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो सीधा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो सबसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका कोई अगर प्रश्न है, कोई सवाल है तो उसका आपको जवाब जरूर दिया जाएगा, ऐसे लाइव प्रोग्राम में जवाब दिया जाएगा। लाइव प्रोग्राम में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं,
और भी हमारा लाइव का एक समय निर्धारित नहीं है, निर्धारित समय का आपको बताएंगे तो उसी समय पर आपके सामने हम लाइव होंगे। तो आज का ये मिथुन राशि का विशेषण आपको कैसा लगा, आप हमें अपने सलाह आप जरूर दें, अपने विचार अवश्य व्यक्त करें, कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे मेरा नंबर है, आप मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन करके समय लेकर के सुविधा अनुसार आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।